हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोबली लॉन्च हुए पोको M4 के बारे में। जी हाँ, पोको ने अपना, जैसा कि हम सबको ज्ञात था, पोको ने अपना जो फोन है वो ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। पोको M4 Pro इसको ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जा चुका है दोस्तों। यह जो ये फोन जो है ना दोस्तों, मिड रेंज सेगमेंट का एक बेहतरीन फोन है। अगर आप 20,000 के आसपास का एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फोन ढूंढ रहे हैं तो आप इस तरफ जा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये जो है ये Redmi Note 11 का ही रीब्रांड है पोको M4। इसी के तरह ही लगभग सारे फीचर्स एक जैसे ही हैं Redmi 11 के हैं और जो पोको M4 का है दोनों में की दोनों। दोस्तों कुछ खास बातें मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा तो इसमें जो इसकी डिस्प्ले दिया है उन्होंने 6.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया है जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 से प्रोडक्शन है दोस्तों। और बात कर लूं प्राइमरी जो कैमरा दिया है 50 मेगापिक्सल का दिया है उन्होंने। दो वेरियंट में उपलब्ध है मार्केट में और 4GB और 64GB और 6GB 128GB के इंटरनल मेमोरी के साथ में ये मार्केट में उपलब्ध है। दोनों की रेंज अलग अलग है दोस्त, बात करेंगे डिटेल में। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की वीडियोस को देखना पसंद करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना दोस्तों। और हमारे होने वाली वीकली जो हम लोग अपडेट करते हैं इसके, तो उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं दोस्तों, आप पोलिंग में जा सकते हैं इसके। चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके ऊपर। अगर मैं बताऊँ उसके डिटेल में बात करना चाहें तो अगर हम टॉप में देखें तो आपको इस फोन के टॉप में के ऊपर IR ब्लास्टर विद स्पीकर देखने को मिल जाता है। बॉटम में आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक और चार्जिंग जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है दोस्तों। और नीचे को साइड में एक और स्पीकर है तो इसमें डुअल स्पीकर है। स्टीरियो साउंड सिस्टम है, काफी मजा आने वाला है आपको। विदाउट हेडफोन के भी आप स्टीरियो साउंड का अनुभव इससे कर सकते हैं दोस्तों। अब बात कर ले बैक साइड में, आपको प्राइमरी कैमरे दिए हुए हैं दो। पहला तो है 50 मेगापिक्सल का, दूसरा है अल्ट्रा वाइड कैमरा जो कि 8 मेगापिक्सल का है विद LED फ्लैश के साथ में। दोस्तों ऐसे कैमरे की तरह दिख तो रहे हैं, वो दोनों कैमरे नहीं है, केवल दो कैमरे दिए हैं 50 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का। और बात कर ले लेफ्ट साइड में, आपको सिम ट्रे दे रखी है और सिम ट्रे पिन के साथ में पिन करेंगे तो सिम ट्रे निकल आएगी जिसके अंदर आपको दो सिम कार्ड लगा सकते हैं आप और एक मेमोरी कार्ड का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है उसके अंदर। अब बात कर ले राइट हैंड साइड में दोस्तों, तो राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम का बटन मिल जाता है प्लस एंड माइनस का, और आपको इसी के अंदर ऑफ ऑन ऑफ ऑफ एंड ऑफ ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में लेस है दोस्तों। ऑन ऑफ बटन को ही फिंगरप्रिंट सेंसर के में दे रखा है, आप इसकी तरफ जा सकते हैं दोस्तों। अब बात कर ले फ्रंट में, फ्रंट का जो है वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, 6.6 इंच के फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है विद पंच होल के साथ में दोस्तों। जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है, काफी बेहतरीन कैमरा है दोस्तों, जिससे आप काफी बेहतरीन फोटोज खींच सकते हैं। ये 5G फोन है दोस्तों, दोनों बैंड इसके 5G SIM 1 SIM 2 दोनों ही 5G को सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है आने वाला दौर वैसे ही 5G का है, तो आपको 5G ही फोन लेना चाहिए, 4G फोन आप बिल्कुल मत लेना। अगर इस जमाने में आज की डेट में आपको नया फोन खरीदना चाह रहे हो तो 5G ही लेना, भले वो कितने का भी हो। आपकी रेंज 10,000 से कम की भी है तो उसमें भी अवेलेबल है 5G फोन, और 15,000 की रेंज पे है उसमें भी अवेलेबल है 5G फोन, और 20,000 के ऊपर तो मुझे लगता है सारे के सारे फोन 5G ही आ रहे हैं, तो आप 5G की तरफ ही जा सकते हो दोस्तों। डिटेल में बात करें दोस्तों, इसमें तो 6.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है DCI के साथ में, 90Hz की रिफ्रेश रेट मिल जाता है दोस्तों इसके अंदर आप, और 120Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। प्रोडक्शन की बात करें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें दोस्तों, इसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 810 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 6 नैनोमीटर की चिपसेट पे बेस्ड है दोस्तों। 2.4 GHz की स्पीड क्लॉक स्पीड आपको देखने को मिल जाती है इसके अंदर, और ऑक्टा कोर प्रोसेसर है दोस्तों ये। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करें तो बैक साइड में आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का दो कैमरे देखने को मिल जाते हैं फिर LED फ्लैश के साथ में। फ्रंट में आपको 60 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। 4G इसमें दो वेरियंट उपलब्ध है, 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ में जिसकी कीमत लगभग 19,300 रुपए है, और दूसरा वेरियंट मिल जाता है 6GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ में जिसकी कीमत लगभग 21,300 रुपए है दोस्तों। 5000mAh की बैटरी है, पावरफुल बैटरी है जो कि लगभग 16 से 17 घंटे तक की वीडियो सर्फिंग का आपका अनुभव इसमें मिल जाएगा आपको। इसकी चार्जिंग के लिए 33W का प्रो फास्ट चार्जर दे दिया है जो कि लगभग 1 घंटे के अंदर बैटरी को फुल चार्ज कर देता है, तो काफी बेहतरीन डील होने वाली है मेरे ख्याल से। इस बार पोको ने काफी काम किया है इसके ऊपर, तो मुझे लगता है आपको इस फोन को जरूर देखना चाहिए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।